खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ तहसील से है। प्रदेश में पत्रकारों समाज सेवियों से आए दिन होने वाले दुर्व्यवहार, प्रताड़ना और पत्रकार हितों को लेकर ऑल इंडिया और प्रदेश भारतीय मीडिया फाउंडेशन के निर्देश पर जिले के भारतीय मीडिया फाउंडेशन द्वारा राज्यपाल के नाम 18 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश महासचिव भगवती प्रसाद सिंघल, सचिव देवेंद्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व में बैराड़ तहसील इकाई द्वारा तहसीलदार सुनील कुमार प्रभास को सौंप कर पत्रकार और समाज सेवियों के हित में कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने ग्वालियर संभाग के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम व्यास, राम सेवक गुप्ता, डॉक्टर तुलाराम यादव, परिवहन फोरम के जिलाध्यक्ष विष्णु कुमार गुप्ता, बॉलीवुड फोरम प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गर्ग, जिला उपाध्यक्ष धीरज कुमार ओझा, बैराड़ ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद कुमार बंसल, सुनील शर्मा और अन्य सदस्यों द्वारा तहसीलदार प्रभास को राज्यपाल के नाम 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से भिजवाने का अनुरोध किया। आज आपने तहसीलदार महोदय को जो ज्ञापन दिया है उसके किस संबंध में दिया है, जरा बताओ। आज अभी सभी पत्रकार बंधुओं ने मिलकर के राष्ट्रपति महोदय के नाम से तहसीलदार साहब महोदय को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमारे पत्रकार बंधुओं पर जो FIR होती हैं, FIR जब पुष्टि करने के बाद में और FIR जांच करने के बाद में मुकदमा काम हो, ऐसी हमारे पत्रकारों की सुरक्षा की जाए और टोल टैक्स भी फ्री किए जाएँ, पत्रकार बंधुओं के लिए बहुत सुविधा दी जाए जो कि नेताओं के लिए होती है। और हमारे पत्रकार बंधु सामाजिक जो कार्यकर्ता जो समाज सेवी हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी वो उठाते हैं उनको दबाया नहीं जाए, उनकी मदद की जाए और सभी पत्रकार बंधुओं को सुरक्षा एवं सुख सुविधाएं दी जाएँ। धन्यवाद।